रीवा जिले के मनगवा बस्ती में सोमवार की दोपहर कच्चे घर में आग लगने से मां बेटे की मौत हो गई। सूत्रों में चर्चा है कि पहले घर वालों ने सिलेंडर फटने की अफवाह उड़ाई, तब मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल वाहन से आग पर काबू पाया। पूछताछ में मृतक के पति व घर वालों ने अलग अलग बयान दिए। पहले कहा कि बंद कमरे के अंदर आग लगी है। मनगवा थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि अमित वर्मा की पत्नी अंजना और उसका बेटा अर्पित वर्मा का शव मलबे से निकाला गया है। दोनों के शव मिट्टी व कच्चे घर के छप्पर के बीच में फंसे थे, जबकि घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर सुरक्षित है, पाइप में लीकेज भी नहीं है। परिजनों की भूमिका जांची जा रही है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद हादसा सुसाइड व हत्या की कहानी स्पष्ट होगी। फिर कहा कि रसोई में आग लगी थी, पुलिस ने गहनता से जांच की तो शुरू से अंत तक परिजनों की भूमिका संदिग्ध समझ में आई है। अब सवाल उठता है कि जिस कच्चे मकान में आग लगी थी वहां ना तो गैस सिलेंडर था और ना रसोई। अगर कमरा अंदर से बंद था तो परिजन कैसे पहुंचे अंदर? इस तरह के कई सवाल माँ व बेटे के साथ आग में दफन हो गए। सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर आरपी शुक्ला ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। दावा है कि जब एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तब तक दोनों शव अस्पताल की मर्चुरी में शिफ्ट हो चुके थे। फॉरेंसिक यूनिट के बीच चर्चा थी कि 80% आत्महत्या की संभावना है, वहीं 20% कुछ भी संभव हो सकता है, मतलब हादसा और हत्या की संभावना भी बन सकती है। क्या घटना हुई? अभी करीबन आधा घंटे पहले सूचना मिली कि बस्ती में आग लग गई है, तो मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची है, स्थानीय लोग पहुंचे हैं। तो कच्चा खपरेल मकान है, उसके एक कमरे में काफ़ी आग लगी हुई थी। तो देखा तो उसमें एक बच्चा जल गया था, उसकी माँ है ना, महिला 25 वर्ष लगभग होगी, दो लोग जल करके उनकी मृत्यु हो गई है। एक साल का बता रहे हैं। अभी आग के कारणों का पता स्पष्ट हम नहीं कह सकते कैसे लगी है। जैसे कि लोगों का कहना है कि सिलेंडर भी था अंदर और लकड़ी से भी खाना बनाते थे। अभी विवेचना के दौरान पता चलेगा कि क्या कारण था एक्चुअल में आग लगने का।